फ्रेंड्स, हम यहाँ देखने वाले हैं 1200 प्लस एरिया में आपका 2 BHK। ये आपका 2 BHK का है 11 रेजिडेंसी में। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी वाइडर आपको वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बड़ा विंडो देखने को मिलेगा यहाँ पर, जिससे आपको प्रॉपर सन और सनलाइट आती रहेगी। और स्टैंडर्ड साइज से बालकनी का कुछ इस तरह से व्यू आपको देखने को मिलेगा। सामने आपका स्विमिंग पूल का पार्ट है। तो हम देख रहे हैं 11 में 2 BHK का सैंपल। ये आपका ड्राइंग कम डाइनिंग है दोस्तों, और कुछ इस तरह से आपको ये ड्राइंग देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है सैंपल। आप एक एक चीज को बारीकी से देखिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों किचन की तरफ। कुछ इस तरह से आपको बहुत ही बेहतरीन किचन यहाँ पे देखने को मिलेगा। काफी बेहतरीन लेआउट है किचन का। और यहाँ पे काफी बड़ा किचन का साइज है, इस तरह से आपको किचन देखने को मिलेगा। और किचन में आप यूटिलिटी स्पेस के लिए बालकनी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं काफी बेहतरीन किचन का साइज है। तो दरवाजे के बगल में ही एंट्री हमें यहाँ पे किचन देखने को मिलेगा। ये कॉमन वॉशरूम है और ये आपका काफी बड़ा साइज है वॉशरूम का दोस्तों। तो जैसे कि आपने देखा, ड्राइंग कम डाइनिंग और वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बड़ा आपको विंडो दिया गया है। UPVC स्लाइडिंग पे डोर है यहाँ पे किचन। आइए हम रूम्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये आपका किड्स रूम है, काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है, अरेंज किया गया, इंटीरियर किया गया है। मैं आपको डिस्क्लेमर कर दूं, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन पर्पज से है। यहाँ पे जो भी आप इंटीरियर का पार्ट देख रहे हैं, वुडन का पार्ट देख रहे हैं, फर्नीचर देख रहे हैं, वो सेल्स का पार्ट नहीं है, वो सैम्पल का पार्ट है, वो सेल्स में नहीं है दोस्तों। और आपको कोई भी क्वेरी हो आप दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से बंक बेड यहाँ पे लगाया गया। मुझे लगता है बच्चों को ऐसा बंक बेड अच्छा भी लगता है, पसंद भी आता है। आपके घर में दो किड्स हैं, उससे ज़्यादा किड्स हैं, तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं उनके लिए। इससे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं। पर ये सेल्स में नहीं, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए किड्स रूम से भी आपको बालकनी मिल जाती है। देखिए यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का फिनिशिंग चल रही है। कुछ लिमिटेड ही ऑप्शन यहाँ पे 2 BHK अवेलेबल हैं। आइए चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ सीधा मास्टर बेडरूम की तरफ। ये है दोस्तों मास्टर बेडरूम, जिसका कि आपको इंतज़ार था। वार्डरोब स्पेस आपको हर रूम में देखने को मिलेंगे। हॉलो स्पेस आपको दिया जाएगा वार्डरोब के लिए। और बालकनी आपको यहाँ पे कुछ लेआउट ऐसे हैं जिसमें कि आपको 4 बालकनी देखने को मिलती हैं। ये सब मास्टर बेडरूम में आप यहाँ पे देख सकते हैं बालकनी, और यहाँ से स्विमिंग पूल बन रहा है दोस्तों। स्विमिंग पूल का व्यू आएगा यहाँ से इस सैंपल से। और ये मास्टर बेडरूम में अटैच आपका वॉशरूम है। वॉशरूम का साइज ही मास्टर बेडरूम का काफी अच्छा है, डिसेंट है। तो मैं जाने से पहले वीडियो को रिवर्स कर देता हूं, ताकि आपको लेआउट रिवर्स में समझाता हूं। उससे पहले आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे यूट्यूब उतने ही से प्रमोट करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। ये आपका मास्टर बेडरूम हो गया, और इस तरह आपका किड्स रूम हो गया। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर आपका किड्स रूम पे बंक बेड, और यहाँ पे इस तरह से कुछ स्टडी टेबल दिया गया है। वार्डरोब के लिए हॉल स्पेस आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर, अटैच बालकनी है दोस्तों। और इस तरह से जब हम आएंगे पीछे की तरफ, तो ड्राइंग कम डाइनिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ी विंडो देखने को मिलेगी लाइट के लिए, एयर के लिए। और इस तरफ आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाएगा। और ये आपको बहुत ही बेहतरीन किचन बनाया गया, इतना बड़ा साइज का किचन आपको 2 BHK में शायद ही कहीं देखने को मिले।
तो दोस्तों चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कोई क्वेरी है कॉल कर सकते हैं दिए नंबर पर। थैंक यू।